नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रागी कुकीज बनाएंगे। रागी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जो कि बच्चे और बूढ़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। रागी को नचनी भी कहते हैं। रागी कुकीज हम जब बनाएंगे तो आपके बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं पहचान सकते कि ये हमारे रागी फ्लोर से बनी कुकीज हैं। इसके लिए हमें चाहिए रागी का आटा 150 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, चॉकलेट पाउडर 3 टेबलस्पून, बटर या घी 200 ग्राम, चीनी 180 ग्राम, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, अखरोट के टुकड़े 2 टेबलस्पून, चोको चिप्स 2 टेबलस्पून, सॉल्ट हमें पिंच पर चाहिए, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, वनीला एसेंस 2-3 ड्रॉप्स। सबसे पहले बाउल में घी ले लेंगे सारा और उसे हमें बीट करना है। जैसे ही हम घी बीट करने लगे उसमें हमें फिर धीरे धीरे अपनी सारी शुगर ऐड करनी है। शुगर को हमें 2-3 बैच में ऐड करना है और उसे बीट करते रहना है। जैसे ही हमारी चीनी और घी आपस में मिक्स हो जाएगा तो वो एक फ्लफी सा हो जाएगा। और चीनी के बैटर में हमें रागी फ्लोर ऐड करना है। फिर उसमें हमें मैदा, कोको पाउडर, वनीला एसेंस की 2-3 ड्रॉप्स, पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देना है और उसको मिक्स करके एक डो बनाना है। ये डो हमें मिल्क की सहायता से बनाना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया था और मुझे इसमें दूध की आवश्यकता नहीं पड़ी डो बनाने में, लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके डो बना सकते हैं। और ये डो हमें ज़्यादा मुलायम नहीं करना है। इस डो को बनाने के बाद इसे हम पॉलिथीन में रैप करेंगे और रैप करके इसे हमें 10 से 15 मिनट फ्रीज करना है। फ्रीज से अपना डो निकालने के बाद उसे अच्छे से हाथों से मसलना है और आटे को मुलायम करना है। फिर उसके हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। मैंने ये कुकीज़ अपनी कप केक ट्रे में बेक करने हैं, इसलिए मैंने उसे पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था। अब मैं इनके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। ये कुकीज़ कप केक ट्रे में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें डिस्टेंस मेंटेन होता है। आप इसे एक नॉर्मल ट्रे में भी पेड़े बनाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं। इसे पास पास नहीं लगाना है कुकीज़ को, क्योंकि कुकीज़ बेक होते वक्त फैलती हैं। अब हम अपनी कुकीज़ के जब पेड़े बना लेंगे और इन्हें ट्रे पर रख लेंगे तो इसके ऊपर से हमें कटे हुए वॉलनट्स रखने हैं। वॉलनट्स चॉकलेट सिरप की सहायता से हमें पेड़ों पर चिपकाने हैं और इसे हमें बेक करना है। बेक करने के लिए पहले हम ओवन प्रीहीट कर लेंगे, फिर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए कुकीज़ को बेक करेंगे। और बेक करने के बाद कुकीज़ हमारी तैयार है, लेकिन इसे हमें ट्रे से तुरंत अलग नहीं करना है। कुकीज़ जब हमारी ठंडी हो जाएंगी तभी उसे हमें ट्रे से अलग करना है, वो खुद ही अपने आप अलग हो जाएंगी। यदि हम इन्हें गर्म ही अलग करना चाहेंगे तो कुकीज़ हमारी टूट सकती हैं। ये कुकीज़ तैयार हैं और ये इतनी टेस्टी होती हैं खाने में कि कोई कह नहीं सकता कि हमने इसे रागी फ्लोर से बनाया है, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट पाउडर ऐड किया है तो इसमें चॉकलेट का टेस्ट आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के संग भी शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।